हेलो डेल फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. एंड आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी जर्नी यहाँ स्टार्ट होने वाली है फिर से. मैं इस वक्त हूँ सिलचर रेलवे स्टेशन में और अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन. तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ और आपको सब कुछ दिखाती हूँ, बने रहेगा पूरे वीडियो पे. खचा खच भीड़ है इस वक्त. ये लाइन किस बात की है, इतनी लंबी लाइन. सो ये है हमारी ट्रेन, काफ़ी लंबी है. सो करीबन ये 17 कोचेस के साथ चलती है, हफ्ते में 7 दिन चलती है ये ट्रेन. और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कोच कौन सा है. हमारा एसी में टिकट है, हमारा एसी में है टिकट और B1 में है. तो चलिए, और इस ट्रेन में जो है सिर्फ एक ही एसी का कोच है. सो आई एम सो एक्साइटेड. आज शायद इतने ज़माने बाद जो है, ज़माना ही लग रहा है मुझे, 2-3 महीना हो गया होगा ट्रैवल करते हुए और आज एक लॉन्ग जर्नी होने जा रही है. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको ले जा रही हूँ अभी हमारे लोकोमोटिव के पास. तो कई लोग बोलेंगे कि लोकोमोटिव का वीडियो दिखाइए, इसलिए पूरा रास्ता चलते चलते यहाँ तक आई हूँ. काफ़ी लंबा ट्रेन है, 17 लगभग कोचेस के साथ चलती है ये. तो ये है हमारी लोकोमोटिव 70835 WDG 4D. न्यू गुवाहाटी शेड की WDG 4D. तो ये होने वाला है हमारा लोकोमोटिव आज का, जो हमको ले जाएगा सिलचर टू अगरतला. तो इस ट्रेन से लगभग हम लोग आज 253 किलोमीटर का जर्नी तय करेंगे 8 घंटे में और लगभग 14 हॉल्ट के साथ. तो ये ट्रेन नंबर है 15664. सो दिस इज आवर कोच B1. चलिए लेट्स बोर्ड. ऑलराइट, घुसते ही वॉशरूम पहले चेक कर लेते हैं. चलिए यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल है, यहाँ पे इंडियन है. चलिए थोड़ा देर बाद दिखाती हूँ मैं आपको, पानी वगैरह है कि नहीं चेक कर लेते हैं. फिलहाल तो पानी नहीं आ रही है. और क्या क्या है इधर ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे साबुन रखने का ये है, इधर लाइट्स लगे हुए हैं. वॉशरूम की हालत उतनी अच्छी नहीं है. तो चलिए काम चल जाएगा, लेकिन पानी बस आ जाए और ऐसा कुछ है इधर. तो चलिए अंदर चलते हैं. ठीक है, तो एक सीट है हमारा उधर 49 और एक है इधर 55. तो आप लोग देखते रहिए एंडिंग तक. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कर्टन्स वगैरह वापस आ गए हैं. एंड हमारा यहाँ पे एक लोअर बर्थ पे है, साइड लोअर पे एक है और इधर एक लोअर पे एक है. इधर चार्जिंग पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है. आई होप काम करेगा. और इधर स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं, इधर मिरर है. एंड बाकी तो अभी ठीक ही लग रहा है. चलिए जब जर्नी स्टार्ट होगा तब दिखाती हूँ. इधर 2 और चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं. सीट की बात करें तो सीट कंफर्टेबल ही लग रहा है, आगे जर्नी में देख लेंगे. फिलहाल ट्रेन स्टार्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो ये जो है ये दूसरा वाला वॉशरूम है इधर. चलिए देखते हैं, यहाँ पे पानी आ रहा है. और अभी देखते हैं अंदर का, अगर लॉक है ये वाले में देख लेते हैं. यहाँ पे इंडियन है और दूसरा वाला वेस्टर्न है. जाएंगे नहीं, नहीं. इंटरनेट के लिए रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए.
सीरियसली? हाँ सीरियसली। तो सर आना चाहेंगे वीडियो में? नहीं नहीं ठीक है, हम इसलिए खड़ा हुआ देखा आपको। ओके आप लोगों का वो देखा था ना? हाँ 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 जी हाँ जी देखा। सो यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे मुझे, जिन्होंने बोला कि वीडियो में नहीं आना चाहते, तो इसलिए तो आप लोग देख लीजिए। ऐसा कुछ इंटीरियर होता है थर्ड एसी का। ये कुछ वॉशरूम के अंदर का है, मिरर उतनी ज़्यादा तो साफ नहीं लग रही है। वॉश बेसिन चलिए साफ है, पानी आ रहा है। और इधर ये क्या हो गया, चलिए भाई साहब जो हालत थी ना अभी वॉशरूम की, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो भी जाता है अंदर पानी वानी यूज कीजिए प्रॉपरली। साफ तो एक कुछ देर पहले किया गया, लेकिन एक भाई साहब गए थे अभी, बहुत ही गंदा हालत हुआ है अंदर में। मैं जस्ट देख के निकली हूँ, मेरा हालत खराब हो गया पूरा। सो हमारी ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है एकदम निर्धारित समय पे, 8:30 बज रहे हैं इस वक्त, और 8:30 बजे जो है डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। एकदम टाइम से निकल पड़ी है। काफी क्लाउडी है आज, देख सकते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले भी बारिश हो रही थी। नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा, नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है, वो होने वाला है काठाकाल जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है KTX। 8:58 पे पहुंचेगी, वहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो यहाँ अभी क्रॉस करते हुए सिलचर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एसी का हमको फेयर पड़ा है 505 रुपीज़, और इसका स्लीपर का कितना भाड़ा है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी।
ये स्किप किया है, यहाँ पे हॉल्ट नहीं होता जनरली। इसका पहला हॉल्ट होने वाला है काठाकल जंक्शन में KTX। यहाँ पे मैंने आपको पिछले टाइम पे वीडियो करके दिखाया था, अगर आपको याद होगा। उस दिन मैं ये पूरा जंक्शन आपको दिखा नहीं पाई थी, तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर। लग रही है ज़बरदस्त, घर से भी कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं। वेट करेंगे हम लोग बदरपुर जंक्शन का, वहीं पे 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, तो देखते हैं अगर वहीं पे कुछ हो तो मैं आपको दिखाऊंगी। टीवी टावर यहाँ से जो दिख रहा है सुबह, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है या नहीं, काइंडली कमेंट कीजिएगा आज की जर्नी कैसी लग रही है। तो इस तरीके के जर्नी वीडियोस मैं और भी बनाऊंगी, तो काफ़ी टाइम से जो रिक्वेस्ट आ रहे थे जर्नी वीडियोस के, तो इस वजह से मुझे लगा एक लॉन्ग जर्नी शेयर करनी चाहिए। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये सरकोना एरिया को, और गर्मी यहाँ पे बाहर में मौसम तो आपको जो है क्लाउडी दिख रहा है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। एसी 3 AC के अंदर भी जो है उतनी ज़्यादा ठंडक मुझे नहीं महसूस हो रही है। मैंने सुना था ICF कोचेस के जो AC होते हैं थोड़े ज़्यादा ही ठंडे होते हैं।
पानी जा रहा था यहाँ पे, तो गाड़ी दिख रहा है आपको। निर्धारित समय से 2 मिनट लेट यहाँ पे आई है कटाखल जंक्शन पे। ये दोनों दुकान कोई भी लो, कोई बात नहीं। इसका नेक्स्ट जंक्शन होने वाला है बदरपुर जंक्शन। काफी लोग यहाँ पे चढ़ने वाले हैं अभी, यहाँ से काफी लोग वेट कर रहे हैं। भीड़ तो काफी ज्यादा है। ये पूरी बाढ़ आई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे तो पानी कम गया है, ये सब पानी पूरा भरा हुआ था बाढ़ के टाइम पे। और जो जितने भी भेड़ बकरियाँ थे यहाँ पे साइड में, ऐसे घर बना बना के इनको यहाँ पे जो है रखा गया है इस तरीके से। तो अभी हम लोग बदरपुर पहुँचने ही वाले हैं बस।
टाइम पे एकदम निर्धारित समय पे जो है बदरपुर पे एंटर किया है, एक मिनट भी लेट नहीं। तो ये हम एंटर करते हुए बदरपुर जंक्शन में, इससे पहले भी कई बार मैंने ये जंक्शन आपको दिखाया है, तो आप लोग आज आउटर से देख लीजिए। बदरपुर स्टेशन में नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से 3, हॉल्टिंग ट्रेन से 44, ओरिजिनेटिंग ट्रेन से 3, टर्मिनेटिंग ट्रेन से 3। इस स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1898 पे और इसको रिबिल्ड किया गया था 2015 में। ये है एंट्रेंस स्टेशन का, काफी खूबसूरत स्टेशन है। चलिए बाहर से दिखाते हैं आपको। दादा लुची को तो और परोटा को तो পরোটা কত আর লুচি কত প্লেট তো বদরপুর জংশন সে হমনে লিয়া হ্যা এক প্লেট পুরি আর এক প্লেট পরাঠা চলিয়ে ইসকো চখতে হ্যাঁ আর সবকো বতাতে হ্যাঁ ইয়ে খানে মে কেসা হ্যায় আও না আও না
पूरी तो सही है पर सब्जी एकदम फिकी है। स्टेशन के खाने से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते ज़्यादा। सोयाबीन आलू की और क्या मटर दे के सब्जी है, लेकिन एकदम फिकी सी सब्जी है। बस पेट भर ले। सो 9:39 हो रहा है अभी, और अभी जो है डिपार्चर हो रहा है हमारा बदरपुर से, और मैं अभी तक ये बिना नमक वाला खाना खा रही हूँ, थोड़ा बिना नमक का ही है। और हमने एक और एक बादाम ड्रिंक ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये वाली तो उतर नहीं रही थी गली से। वेरी बैड चॉइस। IRCTC का फास्ट फूड का यूनिट है इधर, तो इसको भी रिव्यू करेंगे नेक्स्ट किसी दिन आके, इसको रिव्यू करेंगे जरूर। अभी अभी खुल रहा है, बस खुला नहीं है उसके बाद। আরে যে টাকা লোক রয়েছে রয়েছে।